खुशहाल होंगे। और आज मैंने किचन में क्या क्या बनाया है, सबसे पहले मैंने बनाए हैं पतोड़े। पतोड़े जो होते हैं ना, अरबी के पत्तों के बनते हैं और मुझे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसकी अगर आप पूरी रेसिपी देखना चाहते हो ना, तो मैंने इंडियन मूवमेंट रेसिपीज विद नीना वाले चैनल पर, मेरा दूसरा चैनल है ये, उस पर अपलोड करी हुई है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। पूरा डिटेल में मैंने इस रेसिपी को शेयर करा है। और ये मुझे ना इतने पसंद है कि मैं एक बारी में ही ज़्यादा बना करके रख लेती हूँ। और इनकी खास बात ये है ना कि इन्हें एक बार बना करके रख लो और उसके बाद कम से कम आप इसे 3 से 4 दिन तक आराम से चला सकते हो, यानी कि फ्रिज में रख सकते हो और जब आपको खाना हो तो उन्हें फ्राई करके खा सकते हो। तो ये इनकी एक बहुत ही खास बात है। और दूसरा मैंने बनाया है शिमला मिर्च, आलू शिमला मिर्च की सब्जी, तो वो हम रोटी के साथ खाने वाले हैं। और रात की दाल पड़ी हुई थी तो उसे भी मैंने तड़का लगा लिया है। साथ में मैंने बनाई है मैगी, और मैगी जो है हम सबकी बहुत ही फेवरेट है। मेरे बच्चों को, मुझे, हम सबको बहुत पसंद भी आती है, तो मैगी तो हमारा मतलब कि हर 1 या 2 दिन में खाना रहता ही रहता है। लेकिन गाइस, मुझे ना मैगी को लेकर के कुछ डाउट्स थे, तो वो आप अगर हेल्प करें, मेरी मदद करें, तो हो सकता है मुझे इससे, यानी कि जो मेरे दिमाग में डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। एक्चुअली क्या है ना कि मैगी जो है, मैगी हम सबको बेहद पसंद है और हम लोग हैं वेजिटेरियन। और मैंने मैगी के बारे में जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं, जितने भी सब मतलब रिव्यू हो गए या यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं, मैंने 1 by 1 सभी चेक करी हैं। और उनमें पता है, सब में ये बताया गया है कि मैगी का टेस्ट इन्हेंस करने के लिए उसमें ना पिग की, सुअर की कुछ चर्बी वगैरह, पता नहीं क्या ऐसा समथिंग कुछ मिलाते हैं, मुझे नहीं पता। मैं उतना, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं तो हम लोग इन चीज़ों का उतना नॉलेज नहीं, रखना भी नहीं चाहते और रखते भी नहीं है। पर अगर हम वेजिटेरियन हैं तो क्या हम सच में मैगी, ये वेजिटेरियन है जो हम खा रहे हैं, क्योंकि हम सब तो काफ़ी पसंद करते हैं। अब कईयों का ये कहना है कि मैगी में जब तक कि ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, यानी कि जो भी पिग का पता नहीं क्या बता रहे हैं, अगर वो नहीं मिलता है तो मैगी में टेस्ट नहीं बढ़ता है, यानी कि मैगी का टेस्ट आपका जो है ना बिल्कुल भी बढ़ेगा नहीं। टेस्ट इन्हेंस करने के लिए उसमें ये ज़रूरी इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है, चाहे वो पतंजलि की मैगी हो या फिर नॉर्मल मैगी हो या फिर ये जो आजकल मंचूरियन वाली मैगी हम अभी रिसेंटली लेकर के आ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। वो इस तरीके से, जैसे कि ये मंचूरियन वाले नूडल्स हो गए और ये यिप्पी वाले हो गए और मैगी हो गई, पतंजलि की भी जितने भी फ्लेवर्स आते हैं वो भी सब हम खाते ही खाते हैं। लेकिन और मैंने यहाँ तक देखा है कि पतंजलि वाले में भी यहाँ तक बताया जाता है कि पतंजलि वाला भी प्योर वेजिटेरियन नहीं होता है, उसके मसाले को भी टेस्ट इन्हेंस करने के लिए उसमें मे बी समथिंग, पता नहीं क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो इस वजह से आप मैगी को, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि मैगी के पैकेट के ऊपर ना साफ साफ लिखा होता है, जैसे आप यहाँ पर भी देखिए, साफ साफ यहाँ पर ग्रीन मार्क दिया हुआ है। ये देखिए, आप भी किसी भी पैकेट में देखिएगा तो क्लियरली से ग्रीन मार्क दिए होते हैं, तो ग्रीन का मतलब ऑब्वियसली होता है कि ये वेजिटेरियन है। अब जो ये यिप्पी वाला है, इसमें भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रीन मार्क मिलेगा, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए, इसमें भी साफ साफ ग्रीन मार्क बना हुआ है, ये आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। हाँ, तो जब इन चीज़ों में ग्रीन मार्क दिए हुए हैं, ग्रीन मार्क का मतलब वेजिटेरियन होता है, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आप उसमें, कि इस तरीके से जो नॉन वेज बता रहे हैं कि मैगी जो खा रहे हैं वो लोग ये जान लें कि ये एक नॉन वेज है और उसे खाना अवॉइड करें। तो अगर ऐसे में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि हम वेजिटेरियन समझ के खा रहे हैं और इसमें है,
तो मेरे दिमाग में काफ़ी डाउट्स हैं। और जब भी मैं खाती खाती ज़रूर हूँ, लेकिन जब भी खाती हूँ तो मन में ना एक फीलिंग्स भी आती है कि क्या सच में इसमें कुछ ऐसा है कि हम इसे खा रहे हैं और हमारा हम वेजिटेरियन हैं तो हमारे साथ कुछ धोखा हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो मैं कंपनी वालों से यही कहूँगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, किसी के साथ चीट नहीं करना चाहिए। अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए अगर आप वेजिटेरियन बता रहे हैं तो उसमें टोटली वेजिटेरियन चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और बाकी अभी तो हम खा ही रहे हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ। अभी तो आपने देखा मैंने रेसिपी भी बनाई थी, तो इसी का ही आप सबसे मैं हेल्प चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी को सही जानकारी है इसके बारे में तो आप डिटेल में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से शेयर करिए ताकि मुझे पता चले कि इसमें जो हम भी खा रहे हैं तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन ही चीज़ें खा रहे हैं। हम तो अपने हिसाब से वेजिटेरियन, जैसे मैंने आपको मार्क्स दिखाए तो उसमें वेजिटेरियन ही है। तो इस तरीके से आपको मतलब वही कि मैं मुझे लगा था कि एक बार इस बारे में मुझे आप सबके साथ डिस्कस ज़रूर से कर लेना चाहिए। हो सकता है कि कई जानकारी मुझे नहीं पता हूँ सही, और या फिर मैं डाउट में रह रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मुझे तो काफ़ी डाउट था इस बारे में, तो मुझे लगा आप सबके साथ शेयर कर लेना चाहिए। तो आप सब ज़रूर बताइएगा अगर आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में नॉलेज है, अगर ये प्योर वेजिटेरियन है तो भी बताइएगा, और अगर नहीं है वेजिटेरियन, अगर कोई ऐसा डाउट है तो प्लीज़ उसे क्लियर करवाइएगा। तो आप सबकी मुझे काफ़ी ज़रूरत है इस बारे में। इस डिस्कस को मैं आपके साथ काफ़ी लंबे टाइम से शेयर करना चाहती थी, पर फाइनली आज मैंने शेयर करी है। तो आप उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस डाउट को ज़रूर से क्लियर करेंगे जिनको भी इसके बारे में डिटेल में जानकारी हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, और जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर से जाइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ यस शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है ना, तो हो सकता है कि जो लोग मेरी तरह वेजिटेरियन हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हों मैगी को लेकर के, उनके दिमाग में भी बहुत सारे डाउट्स हों, तो उनसे वो भी क्लियर हो पाएंगे, और हो सकता है उनके दिमाग में भी कोई ऑप्शन हो तो लोग मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।